Hey guys, welcome back to my channel Brush and Bros. ये dialogue सुन के आप पक गए होंगे. But मेरे पास option नहीं है, मुझे यही बोलना होगा. अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ और बोलूँ तो आप लोग comment box में लिख सकते हैं. तो next time से मैं ऐसे ही आपका welcome किया करूँगी. Okay? So आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे YouTube channel पे जिसका नाम है Brush and Bros. And मेरा नाम है प्रियंका. So guys, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमें कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए एंड किस वक्त करना चाहिए, कौन सा सनस्क्रीन चूज़ हम कैसे करें, इवन कौन से एज में करना चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, आज सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा आपको. तो अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरीके का आगे कोई भी वीडियोस हो तो आप तक पहुंच पाए. एंड अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो थम्स अप दे दीजिएगा. समर आते ही सनस्क्रीन देखना स्टार्ट कर देते हैं ऑनलाइन या फिर किसी स्टोर पे जाके. तो चूज़ कैसे करते हैं आप सनस्क्रीन को, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा स्किन चार टाइप्स का होता है. एक ऑयली, सेकेंड ड्राई. ऑयली एंड ड्राई आपको पता है, ऑयली एंड ड्राई में आपको फ़र्क भी पता चल जाएगा कि आपका स्किन ऑयली है, बहुत पसीने आते हैं, चिपचिपा रहता है, वो ऑयली होगा. ड्राई जो पूरा टाइम सूखा रहता है आपका स्किन. अब एक कॉम्बिनेशन जो थर्ड वन है, कॉम्बिनेशन ये जो हमारा पार्ट है, सामने का पार्ट है, इसको बोलते हैं टी जो, क्योंकि ये टी की तरह देखने में है, टी जो. एंड अगर मैं ऐसे करूं तो ये है सी, इस तरफ भी ये है सी, तो ये दोनों एंगल्स को सी जोन बोलते हैं और इसको बीच वाले एंगल को टी जोन बोलते हैं. तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ टी जोन ऑयली होता है एंड सी जोन दोनों ही ड्राई होता है या नॉर्मल होता है, या फिर सी जोन ऑयली होता है एंड टी जोन नॉर्मल या ड्राई होता है, उसको हम कॉम्बिनेशन टाइप बोलेंगे, कॉम्बिनेशन. एंड थर्ड वन नॉर्मल, जिसका स्किन बिल्कुल नॉर्मल होता है. तो ये चार टाइप्स के हो गए हमारे. तो अब आपको इसी पे डिपेंड हो के आपको अपना सनस्क्रीन चूज करना होगा. हर एक सनस्क्रीन में ये लिखा होता है कि वो ऑयली स्किन के लिए है या ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन या कुछ भी. आप अच्छे से पढ़ो या फिर ऑनलाइन आपके पास स्मार्टफोन तो है ही, आप सर्च करो कौन सा बेटर है ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए या फिर ड्राई या नॉर्मल. सर्च करो आप, जब आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो यूटिलाइज करो अच्छे से, आप उसको चूज़ कर लो. फिर उसके बाद अगर आपको लगे आपको ऑनलाइन लेना तो आप ऑनलाइन लो, वरना स्टोर में जाके लो. तो इस तरीके से आप चूज़ कर लो आपको कौन सा बेटर होगा सनस्क्रीन. नॉर्मली कॉम्बिनेशन स्किन एंड ऑयली स्किन के लिए हम जेल बेस्ड स्क्रीन चूज़ करते हैं या सनस्क्रीन चूज़ करते हैं, और जो ड्राई होता है और नॉर्मल होता है उनके लिए मिल्क बेस. तो ये आप याद रखें तो बेटर होगा. ये हो गया हमारा स्किन टाइप, इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं. और एक सवाल था कि किस एज से लगाए, तो एक बात आप समझ लीजिए कि सूरज की जो सन रेज होती है उसमें से तीन तरह की रेज आती है जो बहुत हार्मफुल होती है हमारे स्किन के लिए. बच्चे ऑफकोर्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर नहीं निकलते तो उनको हार्म नहीं करेगा ये, इधर जो निकलते ही नहीं है घर से बाहर. लेकिन उसके बाद जो होते हैं, जो बाहर निकलते हैं, उन्हें ये सन रेज अटैक करती है उनके स्किन पे. UVA रेज, UVB रेज एंड UVC रेज, ये तीन तरह की रेज़ है सन की जो हार्म कर सकती है आपके स्किन को. जो UVC रेज होती है वो अर्थ के एटमोसफेयर से ही ब्लॉक हो जाती है तो हमारे तक आ नहीं पाती है. पर उसको छोड़ के जो दोनों हैं UVA एंड UVB, SPF जो है ये UVB रेज को ब्लॉक करने की क्षमता रखती है. तो UVB रेज जो होती है वो शॉर्ट रेज होती है, और ये रेज होती है जिससे आपको सनबर्न, टैन, जिससे आपकी स्किन डैमेज भी हो जाती है. बट ये वो रेज भी है जिससे आपके शरीर में विटामिन डी बनती है. तो ये जो SPF फैक्टर होती है जो कि सनस्क्रीन में होती है, वो ये डिसाइड करता है कि आप धूप में कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं बिना आपकी स्किन जले. तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप धूप में खड़े हैं 10 मिनट के लिए तो आप एटलास्ट आपकी स्किन जलना स्टार्ट हो जाती है, आपको जलन महसूस होगी.
अब अगर आपने SPF 10 का एक सनस्क्रीन लगाया तो फिर ये माना जाता है कि वो आपकी 10 गुना शक्ति और बढ़ा देता है धूप में खड़े रहने की। बहुत सारे सनस्क्रीन में आप देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी प्रोटेक्शन, फिर एक बी ए और उसके आगे प्लस साइन दिया होता है। ये के आगे जितना ज़्यादा प्लस उतने ज़्यादा आपको यूवी ए रेज से प्रोटेक्शन मिलेंगी। अब जो यूवी ए रेज होती है वो लॉन्ग रेज होती है, बट ये वो रेज है जो आपके बॉडी के अंदर तक जा सकती है। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट ये है प्री मेच्योर एजिंग एंड रिंकल्स। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये SPF है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपका सनस्क्रीन। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैं धूप में ज़्यादा निकलता नहीं हूँ या निकलती नहीं हूँ, मैं घर में ही ज़्यादा रहती हूँ, या फिर कैब से जाता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ कैब से आता हूँ, व्हाटएवर। तो मैं हमेशा एक ग्लास के अंदर या कांच के अंदर रहता हूँ, धूप नहीं आ पाएगा। सो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, यूवी बी रेज नहीं आती है, लेकिन यूवी ए रेज कांच को पार करके भी वो आती है। तो आपका सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप बाहर निकले ना निकले, या फिर किसी भी कांच, या फिर आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे धूप ना आ पाए, फिर भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे, रोज़। अगर ज़्यादा SPF नहीं ले रहे आप तो कम से कम आपको SPF 15 तक तो यूज़ करना ही चाहिए, ताकि आपको इतने सारे डैमेज सन से ना हो। अब SPF कैसे चूज़ करें, SPF 15, 30, 50, और अगर आप निकलने वाले हैं कहीं पे तो सन में निकलने के पहले आप 20 मिनट पहले आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। तुरंत लगा के ही आप धूप में नहीं जा सकते, तो इसका असर नहीं होगा, आपको 20 मिनट पहले ही लगाना होगा। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, आप जैसे हम क्रीम अप्लाई करते हैं लगा के उसको रब कर लेंगे आपके फेस पे, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है आपके फेस पे। जो जो पार्ट सन एक्सपोज्ड है वहाँ वहाँ आपको यूज़ करना होगा। सनस्क्रीन का एक लेयर बना लीजिए आपके फेस पे, चाहे ये कोई भी स्किन टाइप्स के लिए है, सनस्क्रीन का एक लेयर बनाना होता है आपके फेस पे, ठीक है। एंड ड्राई स्किन वालों, मॉइस्चराइज़र को आप सनस्क्रीन के बाद ही यूज़ करें। और एक चीज़ याद रखिए, सनस्क्रीन को आप हाथ में रब करके ऐसे आप फेस पे नहीं लगा सकते, आपको डायरेक्ट आपके फेस पे लगाना है, देन आप अपने फिंगर टिप से उसको रब करके क्लियर बना लीजिए। आप हाथ में लेके रब करके देन ऐसे आप नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब मैं आपको SPF के बारे में बता दूं, SPF 15 जो है वो आपको 93% बचाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप उसको हर 2 घंटे में अप्लाई करें। कहीं अगर आप निकल रहे लॉन्ग टाइम के लिए तो आप अगर उसको 10 बजे लगाते हैं आपके फेस पे, एंड आप निकलने के बाद आप अगर सोचते हैं कि मैं 2 या 3 बजे फिर से अप्लाई करूँगी या करूँगा, तो आप बिल्कुल गलत है। आपको 2 घंटे में ये SPF 15 है जो आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो प्रोटेक्ट करेगा आपको। अब बारी है SPF 30। SPF 30 आपको 97% बचाता है सनरेज से। अब बारी है SPF 50। यूजुअली जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें SPF 50 बहुत कम मिलते हैं। आप अगर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं तो आपके स्किन में कुछ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब वो SPF 50 आपको रेफर करते हैं, और ये SPF 50 आपको 98% तक प्रोटेक्शन देता है। अब है एक SPF 100 जो डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, तो क्या ये 100% प्रोटेक्ट करेगी? नहीं, ये भी 100% प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ये 99% प्रोटेक्ट करेगा आपको। तो होप्स आप समझ गए हैं कि SPF 15 जो ज़्यादा निकलते नहीं है या सन रेज में ज़्यादा वो आते नहीं है, फिर भी यूज़ तो करना है, तब SPF 15 यूज़ कर सकते हैं जो 93% आपको बचाएगा, आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। अब SPF 30 एंड SPF 50 दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, SPF 30 आपको 97% प्रोटेक्ट करेगा, SPF 50 आपको 98% प्रोटेक्ट करेगा। तो ये दोनों में सब कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। ज़्यादा टैनिंग हो रही है तो SPF 50 चूज़ करें, नॉर्मली SPF 30 यूज़ कर सकते हैं आप। अब आ रही है SPF 100 की, तो वो आप यूज़ ना करें जब तक आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करते हो, तब तक आप SPF 100 कभी ना यूज़ करें। आप सोच रहे होंगे मैं SPF 100 के लिए मना क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये तो 99% प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है इससे, तो SPF 100 आप यूज़ ना करें।
अब इतनी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया है, अब एट लास्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। तो ये एम्वे से है, एटीट्यूड सनस्क्रीन क्रीम, SPF 30 एंड PA++ है यहाँ पे, होप्स आपको दिख रहा हो। इसका प्राइस है 449, ठीक है। मैंने तो भाई एटीट्यूड का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, एंड बहुत ज़्यादा जब टैनिंग हो जाती है, लैक्मे भी है क्योंकि ये, और ये SPF 50 है, और ये छोटा वाला है मेरे पास, जो लेके मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ क्योंकि मैं ये बड़ा हमेशा अपने पास नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मैं ये लैक्मे का छोटा वाला है जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने पास, और ये SPF 50 है। तो ऐसा नहीं है कि SPF 50 है तो आपको ये 4 घंटे बाद नहीं लगाने, ऐसे कुछ भी नहीं है। आपको SPF 30 जैसा आपका गैप है 4 से 5 घंटे बाद, वैसे इसका भी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था आप दिन में एक बार लगा के आप रिलैक्स नहीं हो सकते, आपको लगाना पड़ेगा इसको अच्छे से 4-5 घंटे बाद बाद। सो 100 तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल याद रखिएगा आप ये। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, ये कैसा है, मैंने इससे बोला था मिल्क बेस, मैं ये भी मिल्क बेस ही यूज़ करती हूँ, ये भी मिल्क बेस ही है। ये लगा लिया मैंने, 20 मिनट के बाद आप देखना आपके स्किन, आपका स्किन एकदम अब्सॉर्ब कर लेगा इसको। तो ये दो तो है जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैंने अपने हिसाब से मैंने चूज़ किया है जो मेरे लिए बेटर है। तो आप लोग भी देख लीजिए आपके लिए कौन सा बेटर है, बिकॉज मैं अगर कोई भी एक कंपनी लेके दिखाऊं कि ये कंपनी का या ये अच्छा है आप भी ये यूज़ करें, ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप लोगों में से किसका स्किन कैसा है, वो आप खुद फील कर पाएंगे। आप खुद फील करेंगे तो आप सर्च कीजिए, आप निकालिए कि आपका कौन सा सनस्क्रीन आपके स्किन के लिए बेटर है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, इफ कुछ कमी है, लगे कि कुछ मैंने ऐसा कुछ है जो मैंने नहीं बताया आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। सो गाइज थैंक यू, एंड सनस्क्रीन लगाना ना भूले, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए सनस्क्रीन लगाना, वेट मत करिए कि गर्मी आएगी समर आएगा टैन पड़ेगी तब मैं लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। 100 नहीं यूज़ करना है SPF, याद रखिए ज़रूर से। तो थैंक यू गाइस, ऑफ कोर्स फिर से चीज़ी लाइन बोलना मुझे, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू, ये चीज़ी नहीं था, बाय बाय।